वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी, आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होता है करनी, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं संख्या, एक होता है प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या को जैसे पी बाई क्यू के रूप ले सकते हैं, जैसे कि हो गया 3, 4, 5, 6, -2, -1, कुछ भी, या फिर खाली क्यू क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है, जैसे √2, √3, √5, √4, √4 क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना आएगा आंसर 2। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, समझिए, क्या है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल के 2 बन जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल और 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या या फिर इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वह नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्या बोलेंगे उसको, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, इसका पढ़ना हम लोग को, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस घटाओ माइनस इनटू डिवीजन, ये सब हमें पढ़ना है। और भी कुछ टर्म है इसमें, जैसे होता है रैशनलाइजिंग करना, क्या देखिए हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं करनी विमोचन, करनी विमोचन, सब्ट्रैक्शन घटाओ, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो अपरिमेय संख्या का हम लोग क्या पढ़ेंगे, जोड़ घटाओ गुना भागा और करनी विमोचन करना। ठीक है, एक हुआ प्योर सेट्स, प्योर सेट्स, और एक हो गया मिक्स सेट्स। क्या होता है प्योर, प्योर का मतलब हो गया शुद्ध करनी, ये सब डेफिनेशन बुक में मिलेगा, शुद्ध करनी, और ये वाला हो गया मिश्र करनी, मिश्र करनी। शुद्ध करने का मतलब केवल इसमें करनी रहेगा, ऐसे √2, √3 या √5, ये सब शुद्ध करनी। अगर इसके साथ में कोई नंबर और ऐड हो जाएगा, जैसे कि 2, 3, 4, 5, कुछ भी रियल नंबर जो कि प्रमेय संख्या हो, जैसे कि लिखे 2+√3, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स करने का है। इसमें देखो 2 यूज हो रहा ना, ये 2 हो रहा है, साथ में क्या है, एक करनी भी। तो मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों अगर मिलकर होगा तो क्या बोलेंगे उसको, मिक्स्ड करनी या मिश्र करनी। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ टर्म, एक होता है लाइक सर्ट्स, लाइक सर्ट्स, और एक होता है अनलाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स का मतलब होता है सदृश करनी, सर्ट्स मतलब करनी, ये होता है अदृश, मतलब दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा बात नहीं कि जो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ेगा लेकिन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लिखे √2, √3, √2, √2, सब में देखो क्या कॉमन है, √2, √2 है ना कॉमन, सब में √2, √2 आ रहा, तो ये एक जैसा हो गया। लाइक सर्ट्स मतलब एक जैसा सर्ट्स, सब में √2, देखो नोट करो है ना। लेकिन अगर ऐसे रहेगा, तो देखो यहां पे √2 है, यहां √3, यहां √5 है, तो क्या है, एक जैसा नहीं है। अच्छा, ये क्यों जान रहे हैं हम लाइक सर्ट्स अनलाइक सर्ट्स, इसलिए जान रहे हैं क्योंकि एडिशन जब करेंगे हम लोग, तुम लोग पढ़ी होगी, अगर हम बोल दे x + y, x + 3y कितना होगा मिला के, 4xy कितना होगा, नहीं ये एड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बोले दो कलम और 3 पेंसिल को जोड़ो तो कितना होगा, 5, 5 तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलम की पेंसिल, तो वैसा राशि में जोड़ घटाव नहीं होता है। तो हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ पढ़ेंगे कि लाइक सर्ट जो होगा उसी को जोड़ घटाव गुना भागा करेंगे, भागा गुना हो जाएगा लेकिन जोड़ या घटाव जो करेंगे वो लाइक सर्ट में होगा। ठीक है, जैसे कि एक्स और वाई जब गुना होता है तो होता है ना xy, लेकिन xy को जोड़ेंगे तो जुटेगा, नहीं जुटेगा है ना, क्योंकि ये अनलाइक है, और लाइक सर्ट जो हुआ ऐसा हुआ। ठीक है, तो लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स हम लोग देखें, तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। ठीक है, प्योर सर्ट्स हो गया जो कि शुद्ध रहता है, इसमें केवल रूट रहेगा, और मिक्स सर्ट्स में क्या रहेगा, दोनों रहेगा, मतलब एक रहेगा रैशनल नंबर और एक होगा इरैशनल नंबर, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स सर्ट्स, मतलब इस फॉर्म में, जैसे कि इसमें रूट ए रहेगा और इसमें रहेगा, मतलब इस तरह से ए प्लस या बी ले लेंगे हम लोग, बी प्लस रूट ए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग एडिशन कैसे एडिशन करेंगे, इसे लिखे हम लोग 3√2 + 2√2। पहले चेक करना है ये लाइक सर्ट्स है कि नहीं, लाइक सर्ट्स के लिए क्या देखेंगे, करनी इसमें जो है, जो सर्ट्स यूज हो रहा है वो सेम है, सेम रहेगा तभी ऐड कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो ऐड करते किसको, जैसे हम लोग पढ़े थे 3x + 2x कितना होता है,
क्या होता है 5x होता है ना, तीन और दो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल जोड़ते हैं हम संख्या को, बाकी x क्या होता है x साथ में जाता है, तीन दो मिला के पांच और x को कर लीजिए x, उसी तरह से यहाँ पे क्या है दो है और यहाँ पे तीन है तो कितना हो जाएगा 5√2, कितना हो जाएगा 5√2। लेकिन अगर ऐसे रहता तो 5√3 और प्लस 3√2, तब क्या लिखते हैं इसको हम लोग, ऐसा नहीं करते, तीन दो पांच और यहाँ पे तीन दो पांच, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हम लोग बोले जब भी जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए लाइक सर्च होना चाहिए, यहाँ रूट थ्री यहाँ कितना है रूट टू, सेम ही ना है, सेम रहेगा तभी जोड़ेंगे, नहीं सेम रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि अगर बोल दें हम 3x + 4y तो क्या इसको लिखते हैं हम लोग 7xy, नहीं लिखते हैं, हाँ जो भी है पांच तीन यहाँ पे आठ होगा, सॉरी ठीक है क्या होगा आठ होगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है मार्कर से गलती, तो 7xy जो लिखे हम लोग क्या लिखे हैं 7xy, तो ये जो लिखे क्या सही है गलत है, गलत है क्यों, क्योंकि ये अलग है, x कुछ भी हो सकता है कॉपी और ये हो सकता है कलम, तो कॉपी कलम कभी जुटेगा नहीं जुटेगा, तो जोड़ना किसमें है जो लाइक सर्ट्स होगा सेम होगा ठीक है, उसी तरह घटाना भी उसी में है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग 5√2 + 3√2 - 6√2 + √2, अगर केवल √2 लिखा है तो इसमें 1 है, क्या है 1, जैसे कि x लिखते तो 1 होता है ना, अगर बोल दे x प्लस x कितना लिखते हैं हम लोग, कहां से x लिख देते हैं, नहीं 2x लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 यहां पे 1 मिलेगा कितना होता है 2, उसी तरह से √2 + √2 अगर लेंगे हम लोग तो यहां 1 है यहां 1 है, मतलब कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2, तो उसी तरह से 5 कितना हो गया यहां पे 5 3 8 और ये वाला एक यहां पे पहले प्लस जोड़ लेते 8 1 9 9√2 - 6√2, एकदम बेसिक से पकड़ना है, इसमें क्लास 10 में आता है क्लास 11 में आता है और जितना भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर बेसिक नहीं पता होगा तो गलती होगा ही। हाँ तो क्या देखें हम लोग 5 3 5 3 8 1 9 9 में से क्या 6 तो कितना बचेगा, वेरी गुड 3, कितना हो जाएगा आंसर 3√2, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इसी तरह से जोड़ घटाओ गुणा भागा हम लोग सब देखते हैं इसमें, है ना, एक ही करके देखते हैं और बहुत सारा टर्म है जो हम लोग देखेंगे एक ही करके, तो एडिशन समझ में आ गया होगा आप लोग को, आइए एक और करके देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि 32 लिख दिए इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको थोड़ा तोड़ देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको देखिए √2 ऐड कर लीजिए हम, 9 6 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15√2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16√2, कैसे तोड़ना है इसको, इसको बोलते हैं हम लोग मौलिक और अमौलिक में चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं इसको देखना है, इसके आसपास जो इसका स्क्वायर रूट निकलता है, जिसका भी स्क्वायर रूट निकले, मतलब जैसे कि 32 क्या बनेगा 16 2 32, 16 का वर्गमूल जानते हैं हम लोग होता है ना, 16 का स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, अगर 16 का स्क्वायर रूट अगर निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको 16√2 में तोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या है 8 में क्या आएगा 4 2 8, तो 4 2 8 होता है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, मतलब ऐसा एक संख्या लिखना है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो ये हो जाएगा 15√2 और ये कितना जाएगा, वेरी गुड 4√2 और ये हो जाएगा 2√2, है ना, क्या 2√2, तो ये 15 ये प्लस 2 मिलेगा कितना हो गया 17√2 और ये -4√2 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो वेरी गुड 17 में से जाएगा तो हाँ कितना 13√2, मतलब 13√2 आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें इसको बोलते हैं चेंज करना मौलिक और अमौलिक में, रैशनल और इरैशनल में, रैशनल और इरैशनल में चेंज कैसे करते हैं, कोई भी मान लीजिए लिखा है 175 तो आप देखिए कि इसके आसपास किसका स्क्वायर रूट निकलता है, अच्छा तो इसको देखिए 25 7 जा कितना होता है 175, तो 7 कैसा था 7 एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन इसका निकलता है, तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसको बाहर निकाल दीजिए भाई साहब, कितना हो जाएगा 5√7, हो जाएगा 5√7 ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज किए इसको, इस पार्ट को बोलते हैं रैशनल पार्ट मतलब मौलिक और इसको बोलते हैं इरैशनल पार्ट, ठीक है आ रहा समझ में, ध्यान देखते रहिए और जो जो चीज अच्छा लगे उसको नोट करते रहिए, आगे और बढ़ते हैं हम लोग, देखें एडिशन देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जैसे देख लीजिए √2 × √3 क्या लिखते हैं हम लोग, बस कुछ नहीं करना, जो 2 × 3 कितना हो जाएगा √6, अगर √2 × √2 सेम अगर नंबर है तो क्या लिखते हैं √4 और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो जब सेम नंबर होगा ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है 1 × 1 कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पे √2 √2 × तो √4 हो गया मतलब 2 लिखना है, उस तरह से अगर √3 × √3 रहेगा तो कितना हो जाएगा वो भी 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 होगा 9 का स्क्वायर रूट, मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ठीक है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर सर हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ इंडेसिस, उसमें क्या होता है रूट का मतलब होता है पावर हाफ, कितना होता है पावर हाफ, तो ये बेस सेम है, अगर पावर को हम लोग ऐड कर देंगे तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है आधा प्लस आधा गोटा, वेरी गुड, तो ये 3 हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए अगर कोई नंबर है तो 2√2 × 4√2 तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहले संख्या मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 8, है ना दोस्तों ध्यान से देखिए 4 2 8 और √2 √2 2 कितना हो गया 16
पहले क्या करना है, संख्या को मल्टीप्लाई करना, संख्या मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद रूट टू को रूट टू से करेंगे तो टू आ जाएगा और टू इंटू जाएगा एट, कितना बन जाएगा 16, ठीक है। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, 5√5 इंटू 3√5 या 3√3, तो 5 थ्री 15 और √5 इंटू √3 करेंगे तो कितना, मतलब 15√15, समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया, संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और करनी को करनी में, मतलब सर्ट्स को सर्ट्स करना, ओके। तो मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया होगा, डिवीजन भी करके देख लेते हैं। ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग पहले इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 9 3 27 और नीचे भी क्या है √3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और पहले से उसका वेट कर रहा 3, तो 3 जाओ 9 हो जाएगा और ये √3 बच जाएगा अंदर में। क्या बताएगा, जो भी इसको तोड़ना है किसमें, इसको तोड़ना है हम लोग को ऐसे नंबर में जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सके, तो 9 का वर्गमूल होता है 9 का स्क्वायर रूट निकलता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल गया और यहाँ √3 बेचारा इसको वेट कर रहा था, ये मर गया, क्या बचा 3 इंटू करने से, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, कुछ हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब डिवीजन में देख लेते हैं, अब चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो डाउट अगर हो तो कुछ दिक्कत ना हो, मतलब दूर हो जाए डाउट। तो एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये इसका ऑप्शन दे दिया है क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए 48 लिखा हुआ, क्या बताया था मैंने कि इसको स्क्वायर रूट के आसपास तोड़ना है, क्या हो जाएगा 3 16 48, है ना, 16 3 48 और ये क्या हो जाएगा 75 है, तो 25 इंटू 3, अब वो भी देखिए किसी ना किसी का होगा ही, अगर नहीं होगा तो वो करके देख लेंगे हम लोग, 2 से क्या हो जाएगा 2 9 18, 6 2 6 12, 2 से 2 4 8, 2 8 फिर 2 से 2 2 4 2 4 12, ठीक है 6 और नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, और 2 से 3, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2, वेरी गुड 34 32, और 32 64, मतलब 64 इंटू क्या बन रहा है 3, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 64 इंटू 3, इस तरह से। अब यहाँ का क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बहुत बढ़िया 4 और यहाँ पहले से है 3 और ये हो जाएगा √3, यहाँ पे 5 निकल के आएगा √3 बच जाएगा, यहाँ से क्या 8। अब आप चेक करिए कितना हो रहा है, ये 12√3, ये 20√3 और ये 8√3, मतलब प्लस प्लस लोग जोड़ लीजिए, 12 और 8 मिला कितना हो जाएगा 20, 20√3 माइनस 20√3 कैंसिल हो, कितना हो गया 0। तो इस तरह से देखा, क्या ऑप्शन है इसका, ए, मतलब पहले अगर इसको तोड़ना हो तो तोड़ लीजिएगा, जितना जितना नियरेस्ट मिलेगा स्क्वायर रूट उसको लेके चलिएगा, अब जो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा उसको बाहर निकाल लेना है और जो बचेगा उसको छोड़ देना, इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, 2√2 इंटू एक्स, क्या है लाना है 4 लाना, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगी 4 आ जाएगा आंसर, क्या करना कुछ नहीं, बस एक्स को रखना है 4 और ये 2√2 को नीचे लेके चलाना, अब ये 2 2 4। अब यहाँ पे हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, क्या अगर नीचे करनी हो, क्या हो नीचे सर्ट्स हो, कट करनी हो तो उसको कैसे हटाते हैं, उसको बोलते हैं क्या रैशनलाइजिंग करना टर्म को, या फिर बोलते हैं करनी निवारण, क्या बोलते हैं उसको करनी निवारण। तो ये √2 है, क्या करना बस कुछ नहीं, यहाँ पे √2 यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी पढ़े थे हम लोग √2 × √2 करेंगे क्या होता है 2 होता है, ऊपर क्या हो गया 2√2 हो गया, ठीक है, और नीचे 2 कटे, कितना आंसर आया √2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या देखें हम लोग, अगर नीचे सर्ट्स रहेगा उस सर्ट्स को अगर हटाना है तो उसी नंबर से, अगर आगे हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ नंबर रहता है जैसे कि 3 + √2, तब इसका हम लोग जो कंजुगेट करेंगे मतलब रैशनलाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, आगे देखेंगे हम लोग अच्छे से। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर √2 था तो √2/√2, अगर यहाँ 3 रहता तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया आंसर √2, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, खुद से भी ट्राई करिएगा, और डिवाइड मतलब होता है नीचे और ऊपर में है ना, बस यहाँ पे देखिए कंपेयर करने से हम लोग आंसर आ जाएगा, यहाँ √7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग √7/√7, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ 7 है और इसको हम लोग को क्या करना है 7 बनाना, ये कितना हो जाएगा √35 और √14, ठीक है, कितना हो जाएगा √14 और नीचे हो जाएगा 7। अब आप कंपेयर करके देखिए, दोनों तो बराबर ही था, है ना, क्या था बराबर था, यहाँ पे √35 है, यहाँ भी √35 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ए के बदले में क्या आ गया, वेरी गुड, ए के बदले में हो गया √14, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर √14, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसका, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिए थे, इसमें निकाल दिया तो, है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं, ये
रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री वन, जैसे अभी बता रहा था कुछ नंबर रहेगा तो कैसे इसको निकालते हैं। इसका कमी निवारण करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक टर्म जान लेते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट या मुझे बोलते हैं इसका अनुबंधी करनी। वैसा करने से मान लीजिए हम लिखे हैं ए प्लस रूट बी, ठीक है ना, ए प्लस रूट बी रूट में कुछ भी हो सकता है, तो उसको करने से हटाने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है ना, जिससे करनी हट जाए, तो क्या होगा ऐसे, इसको ऐड करने से या क्या करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से क्या होना चाहिए, रैशनल मिलना चाहिए, रैशनल का मतलब मौलिक संख्या मिलना चाहिए, ठीक है। इसको ऐड करें तो देखो, अगर ऐड करें तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, मिल जाएगा टू ए। उस तरह से मान लीजिए थ्री प्लस रूट फाइव है, क्या लीजिएगा थ्री माइनस रूट फाइव, ऐड करने से क्या मिल जाएगा, वेरी गुड। अगर इसको और हम बोले, अगर मान लीजिए ऐसे लिख रहा था रूट फाइव प्लस थ्री, तो क्या होगा, हो जाएगा माइनस रूट फाइव प्लस थ्री, बोलो कि यहाँ पर भी तो माइनस लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, वो करने वो इसका करने निवारण हो सकता है इंटू करने पे, लेकिन ऐड करने पे नहीं होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए लिख दिए हम लोग रूट फाइव और लिख दिए क्या माइनस थ्री, तो इंटू करने से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, कैसे, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, क्या रूट फाइव प्लस रूट सॉरी थ्री इंटू रूट फाइव माइनस थ्री, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। बट इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये देखिए क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव हो जाएगा, है ना, टू रूट फाइव हो जाएगा, ये तीन तीन कटेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका अगर पूछेगा कि कर्णी निवारण क्या होगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, और बस यही हो जाएगा, केवल मतलब जो सर्ट्स पार्ट है उसमें चेंज करना है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर में रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, इतनी हो जाएगा और ये एक, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। मतलब बस इसको खाली चेंज करना था, कैसे ये प्रोसेस को जान लिया हम लोग, कंजुगेट किसको बोलते हैं, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस माइनस प्लस से इंटू कर देते हैं, और ये सॉल्व करके यहाँ से नीचे का जो डिनोमिनेटर है हर है उसमें से करने को हटाते हैं ऐसे हम लोग। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये तो इसको समझे पहले हम लोग शॉर्ट में, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है एस एस सी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, हर भी जो एग्जाम आने वाला है, जैसे कि अभी टेक्नीशियन का फॉर्म आया, सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जो बच्चे हैं क्लास टेन के या फिर क्लास ट्वेल्व के इलेवन के, कहीं कहीं इलेवन होता है कहीं ट्वेल्व होता है, वो लोग भी इस चैप्टर को इसमें देख के समझ सकते हैं सर्ट्स क्या है। सर्ट्स बहुत ही आसान चीज है, इसको अपर में संख्या को हम लोग एडिशन या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखिए, कुछ क्वेश्चन देखिए और भी अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बने रहिए। तो अब देख लेते हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वैसा क्वेश्चन टाइप का, और जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ठीक है। वो वहां तक हम लोग को बेसिक सीखना था, वहां तक देखिए हम लोग बेसिक क्या था, अब हम लोग देखेंगे एडवांस क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया है, कितना रूट फाइव, क्या दिया है रूट फाइव, और आपको निकालने बोले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए पहले, ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिए एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, मतलब ऐसे ये टू टू कट जाना है एक्स एक्स, तो टू क्या रखना, इसका वैल्यू कितना दिया रूट फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, वेरी गुड, फाइव माइनस टू कितना हो गया आंसर थ्री। तो इसमें बहुत कुछ पूछते हैं, ये दे देगा, ये पैटर्न है एक, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स को भी दे देगा, आप पूछेगा ऐसा, या फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स दे दे कुछ भी रूट थ्री या रूट थ्री दे दे, और आपसे पूछ सकता है क्या क्या, ये पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ सकता है, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई साहब बोलो। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पूछा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, वेरी गुड, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, याद रखिएगा ए बी जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, x और 1 बाय x करेंगे तो कट जाएगा और ये हो जाएगा x plus 1 by x। यहां क्या करना, देखिए इसका वैल्यू दे रखा कितना रूट थ्री, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री का क्यूब, मतलब रूट थ्री का पावर थ्री माइनस थ्री, और ये कितना है इसका वैल्यू रूट थ्री। अब रूट थ्री क्यूब करना है, मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है, क्या रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये मिलने से क्या हो गया थ्री और ये रूट थ्री। एकदम भी बेसिक लेवल से बता रहा हूं आप लोगों को, एकदम ध्यान से देखते रहिए, 100% समझ में आएगा, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, एकदम बेसिक है ये, ठीक है। क्या लिखे हम लोग, इसी वैल्यू दिया था x plus 1 by x का रूट थ्री, और निकालना था ये क्या करेंगे, बस इसका फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू को पुट कर दीजिए, रूट थ्री का क्यूब जानते हैं कितना होता है 3 रूट थ्री, और ये क्या होगा 3 इंटू रूट थ्री, 3 रूट थ्री कैंसिल, मतलब दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा आंसर 0, x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। और क्या क्या निकालना है, x plus 1 by x, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में लोग का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या x बराबर दिया 2 प्लस रूट थ्री, एक्स प्लस वन बाय एक्स पूछेगा, x माइनस वन बाय एक्स पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, एक्स क्यूब
प्लस वन बाय एक्स भी पूछ सकता है, ठीक है, एक्स फोर भी पूछ सकता है, ये तो कुछ भी पूछ सकता है। और भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इससे आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये ठीक है, तो कितना सारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया केवल इस क्वेश्चन से। तो आइए एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। पहले क्या दिया है, x, और हमको चाहिए 1 बाय x। कैसे निकालेंगे, बस 1 बाय x निकालने के लिए क्या करना है, देखिए पहले एक बार जरूर समझ लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट हम लोग याद रखेंगे। क्या करना है, 1 बाय 2 प्लस रूट 3। भाई साहब जो x है, x का वैल्यू है ना कितना, 2 प्लस रूट 3 लिखिए। और अभी मैंने पढ़ा है कंजुगेट, कंजुगेट क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग, मतलब इसको माइनस वाला, अगर प्लस रहेगा तो माइनस प्लस इंटू कर लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ऊपर में, ऊपर बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे देखिए प्लस ए प्लस डी ए माइनस डी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 2 माइनस रूट 3, नीचे कितना जाएगा 4 माइनस 3, मतलब एक एक लिखते नहीं। तो क्या निकल के आया दोस्तों, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स बस केवल माइनस, यहाँ प्लस था तो वो माइनस में आया, 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो 1 बाय एक्स कितना निकल गया, 2 माइनस रूट 3। अब 1 बाय एक्स निकल के देखिए कैसे मुझे धीरे-धीरे निकालते हैं, मतलब एक नंबर में आता तो क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू क्या निकाला था हमने, 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ था, और 1 बाय एक्स कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3, रूट 3 रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 4। वेरी गुड, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है ना, समझ में। मतलब पहले क्या करना था, जो दिया है वैल्यू 2 प्लस रूट 3, 1 बाय एक्स निकालेंगे तो एक्स को यहाँ लिखना है, कंजुगेट कर दीजिए तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोले शॉर्ट में कैसे करेंगे, इतना टाइम तो नहीं रहता एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, देखिए इसका डिफरेंस कितना का है, गौर से देखिए, अगर स्क्वायर करेगा तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 4 बनेगा और 3 बनेगा। तो इसका जब डिफरेंस लेगा तो 1 आ रहा है, जब भी 1 आए तो 1 बाय एक्स निकालिएगा ना, तो केवल क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, मतलब एक्स का इतना दिया हुआ है तो 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, मान लीजिए एक्स बराबर है दिया हुआ, क्या चीज दिया हुआ है, रूट 5 माइनस 2, अब बोलेगा डिफरेंस कितना का, इसका स्क्वायर करिए कितना बन जाएगा, 5 से कितना बनेगा, 4, अभी भी डिफरेंस कितना का, 1। तो अगर हम लोग पूछेंगे 1 बाय एक्स कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, केवल प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू दिया है रूट 6 प्लस रूट 5, तो बताइए 1 बाय एक्स कितना होगा, वेरी गुड, केवल यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि अंतर कितना का है, डिफरेंस 1 का है। व्हेन द डिफरेंस इज 1, देन वी हैव वी कैन राइट 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 5, मतलब क्या, केवल प्लस जो होगा वो माइनस लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंस देखना है, मान लीजिए कुछ भी रहे, आपको डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर क्या आ जाए, वो 1 का डिफरेंस है, तो अब बस अगर प्लस रहेगा तो केवल माइनस कर दीजिए, 1 बाय एक्स का निकालिएगा तो एक्स का दिया रहेगा, या फिर 1 बाय एक्स दिया रहे तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल प्लस या माइनस चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये कितना आ गया भाई साहब, 4 आ गया था, ठीक है। अब ये निकालना हो एक्स माइनस 1 बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उसमें से माइनस कर लेना, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, ठीक है, आ गया दोनों समझ में। उसके बाद आते हैं इस पे, तो वो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तीन नंबर में क्या करेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसको, बस क्या करते ना, इसका जो वैल्यू आएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का याद रख लीजिएगा, क्या आ गया था, एक्स प्लस 1 बाय एक्स आ गया था 4, और एक्स माइनस 1 बाय एक्स कितना आ गया था, वेरी गुड, 2 रूट 3। तो अब हम लोग क्या जानते हैं उसका फॉर्मूला, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x x कट जाना है, तो आपको बताइए यहाँ पे कितना वैल्यू दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 माइनस 2 मतलब 14। अब इसको शॉर्टकट में याद रखिए कि x प्लस 1 बाय x कुछ भी दिया रहा है, मतलब a b कुछ भी दिया रहा है, तो अगर स्क्वायर में पूछे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई करके देखिएगा इसको, ए स्क्वायर करिए उससे 2 माइनस कर दीजिए, वही ना कि हमने क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, और इसका वैल्यू दिया है 4, तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिए। आगे बढ़ते हैं, फोर नंबर में आते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या होता है, इसका एक बार प्लस और एक बार माइनस, देखिए दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्या होगा, इंटू कर लीजिए, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 रूट 3 मतलब 8 रूट 3, ठीक है। उसके बाद कितना है, फाइव नंबर में आइए, बताया था क्यूब वाला कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका क्यूब कर देना है, जो भी एक्स प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू दिया है क्यूब कर देना, कैसे, ऐसे माइनस 3 ये कट जाना है, और ये एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, क्या एक्स प्लस 1 बाय एक्स, बताइए इसका वैल्यू दिया रखा है 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, ये कैंसिल, और 3 इंटू 4 12, 12 माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2, ये जाएगा 52। इस तरह से निकाल लिए हम लोग क्यूब तक। आइए सिक्स नंबर देखते हैं, 4, 4 निकालने के लिए भाई साहब आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर का भी निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आया था, वेरी गुड, थोड़ा देख लीजिएगा पीछे जाके, ये था कितना, 14, है ना, 14 आ गया था, तो 14 आ गया था,
तो अब क्या करना है हम लोग को, x4 जाना है, तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर करिए उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 196 माइनस 2 मतलब 194, कुछ नहीं, उसी तरह से स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कर लिए, आते हैं क्या है ये, सॉरी ये 7 होगा और ये 8 हो जाएगा, चलिए 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से y कैंसिल तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से x कैंसिल तो y स्क्वायर। अब इसका हम लोग देखे थे, अच्छा इसको नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे x और y में है, ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे अगर x का ये है, अगर y ऐसे रहता 2 माइनस रूट 3 तब इन लोग ऐड करने से कितना आता, तब ऐड करते तो x प्लस वाई का वैल्यू आता ना कितना 4, तब इसको बनाते और एक्स वाई को इंटू करते कितना आता 1, क्यों इंटू करके देखिए अभी नहीं किए थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब इसको बना सकते थे हम लोग, x का वैल्यू दे रखे और y का, कैसे करेंगे ऐसा हो गया, और यहाँ पर भी इसको भी देख लीजिए साथ में, इसका भी एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और नीचे में एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, और नीचे में एक्स वाई। तो बताइए x प्लस वाई का वैल्यू अगर ऐड करके तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर वेरी गुड 16 माइनस 2 बाई 1, यहाँ पे कितना 4 क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको आराम से देखिएगा पूरा, जो कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो ही जाएगा बोर्ड पे। और हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग, और भी जो भी आप लोग का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए उससे एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दिया है एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 दिया हुआ है और वैल्यू पूछा है, मैंने ऑप्शन भी दिया है, आप लोग एक बार ट्राई करना, पॉज करिए खुद से, पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, अगर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनता है तो एक बार देखिए आप लोग, ठीक है फिर से वीडियो देखिएगा। तो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, दिया गया x का वैल्यू, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 1 बाय x निकालेंगे पहले चेक करिए डिफरेंस कितना 1 का है कि नहीं, कैसे 3 का स्क्वायर करिए 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर करिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वेरी गुड 4 और रूट 2 का 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 करके देख लीजिए ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 और दोनों का डिफरेंस कितना 1, तो 1 बाय x कितना हो जाएगा भाई साहब 3 प्लस 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए x x प्लस 1 बाय x को ऐड करके, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, दोनों कैंसिल हो गया कितना जाएगा वेरी गुड 3 3 6, ऑप्शन 6 मतलब ऑप्शन सी हो गया, 6 आंसर हो गया। खुद से करके देखिएगा, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 3 3 6। माइनस करना है तो ये तो पहले से माइनस है, जब इसको माइनस करेंगे है ना तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा और ये भी माइनस 2 रूट 2, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा वेरी गुड 4 रूट 2 करके देखिए खुद से। आइए उसके बाद देखते हैं, मतलब क्या बताया था हमने कि x प्लस 1 बाय x का वैल्यू कितना हो गया ये 6 हो गया, तो इसका क्या करना है एक बार 6 का स्क्वायर करना है 2 माइनस कर देना, 6 में से स्क्वायर करिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 34, ये ऑप्शन हो गया, ये दिया हुआ है ठीक है। तो क्या करना है जो x प्लस 1 बाय x का वैल्यू कितना है 6, उसका क्यूब करिए मतलब 6 का क्यूब करिए उसमें से 3 इंटू 6 को माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा ये वेरी गुड 216 माइनस 18 मतलब 198, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये ऐसे आता है, मतलब अगर बड़े एग्जामों में एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, और बाकी अगर आपको ये सब में आता है एकेडमिक में आता है क्लास 9 10 या 11 12 में आता है तब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे ठीक है। चलिए तो सॉल्व भी करने बता दिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो उसको करके देख लीजिएगा खुद से और बाकी ये हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे उसको हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है और वाई दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया और वाई का वैल्यू दिया और ये पूछा हुआ, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको एक तरह से लिखना सजा के लिखिए ठीक है ना, सजा के लिखने से काम हो जाएगा। अब ये देखिए x का जो दिया है y का जैसे क्या दिया उल्टा 1 बाय x जो निकालते हैं वही दिया हुआ, तो इसको आप लोग x प्लस y निकाल दीजिए ठीक है, ऐसा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बट लेकिन हम लोग इसको पहले देख लेते हैं डिटेल में फिर देखते हैं इसका शॉर्टकट। अगर सॉल्व करेगा तो इसका एलसीएम आएगा, अच्छा यहाँ पे दोनों यहाँ पे एक माइनस कर लीजिएगा यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी को इंटू कर लेंगे ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का एलसीएम लीजिएगा, जैसे एलसीएम लेते हैं ना उसी तरह से होल स्क्वायर और बीच में प्लस है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो जैसे भी करते हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 5 है ना, रूट 5 का स्क्वायर 5, फिर 2ab मतलब 2 रूट 15 5 3 से 15 और फिर 3 का स्क्वायर मतलब 3, उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ भी 5 आएगा लेकिन यहाँ माइनस 2 रूट 15 और वेरी गुड प्लस 3 और नीचे भाई साहब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 3, जल्दी कर रहे हैं आप लोग आराम से लिखिए करिएगा, आप लोग लिखिएगा रूट 5 का होल स्क्वायर और रूट 3 का होल स्क्वायर ठीक है, क्योंकि आप लोग को लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा नहीं तो जल्दीबाजी में आपको भी नंबर कम दे देगा वो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, ये भी 5 प्लस 3 8 मतलब 16 हो गया
और नीचे हो गया टू, कैंसिल करके कितना आ गया फोर, मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल गया फोर। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आइए। सो पहले समेट लिख दीजिए, प्लस एक्स वाई को उधर लिखिए और इसको ऐसे। अब बताइए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस नीचे माइनस है माइनस एक्स वाई, इसका वैल्यू चार, ठीक है, चार का स्क्वायर सोलह। अब बोलिएगा एक्स वाई का वैल्यू, आपको देखिए ये क्या लिखा है, इसको आपस में जब इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू करिएगा तो वन, क्यों, क्योंकि कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो वन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बी सिक्सटीन माइनस टू माइनस वन, तो कितना हो गया सोलह प्लस सत्रह, सत्रह में हो गया तो पंद्रह, क्योंकि सोलह में से तीन जाएगा तो तेरह, ये फिफ्टीन बाई थर्टीन इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह से करना है, हम बता दे रहे क्या करना है, केवल यहाँ पे तीन लगा दिया, इसको देख लीजिएगा यहाँ पे तीन लगा दिया और यहाँ तीन लगा दिया, यहाँ तीन लगा दिया, यहाँ तीन लगा दिया, तो आप क्या करिए तीनों कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए है ना, तीन कॉमन ले लिया हम लोग, मतलब पहले कॉमन ले लेना तीन को इस तरह से, क्या कैसे, ठीक है, थ्री कॉमन ले लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, तीन कॉमन ले लिए तो यहाँ भी तीन रहेगा ना, ये तीन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी तीन रहेगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ तक में सॉल्व करिए और तीन को लगा के चलिए, ठीक है, सेम उसी तरह से। तो यहाँ देखिए सिक्सटीन माइनस टू कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा फोर्टीन, कितना हो जाएगा सिक्सटी माइनस टू फोर्टीन, फोर्टीन इंटू थ्री करना, पहले पहले प्लस, इसको ऐसा नहीं करना है कि इसको ऐड कर देना, पहले हम लोग इंटू काम करेंगे, तो फोर्टी टू हो जाएगा, फोर्टी टू प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कितना फोर्टी टू माइनस वन, मतलब फोर्टी थ्री बाई फोर्टी वन। क्या किया हम लोग, थ्री को कॉमन ले लिए, थ्री कॉमन लिए तो बन गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होता है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाला है कितना, फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस टू, यहाँ फोर का स्क्वायर सिक्सटी माइनस टू, लेकिन थ्री से मल्टीप्लाई करना, तो फोर्टीन फोर्टीन होगा फोर्टी थ्री जैट फोर्टी टू, और फोर्टी थ्री प्लस वन हो गया और फोर्टी टू माइनस वन, फोर्टी टू प्लस वन होगा फोर्टी थ्री और ये हो जाएगा फोर्टी वन, ठीक है, तो ये दोनों हम लोग कर लिए, ठीक है, खुद से करना है, ट्राई करना है इसको बढ़िया से। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्स दिया है एक्स वाई, तो अगर एक्स वाई का वैल्यू वन है, यहाँ समझिए एक्स वाई का वन था तो वाई का वैल्यू क्या था, जैसे इसका रेसिप्रोकल, तो अगर हम लोग वाई निकालना तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिएगा कैसे दे रहा है, आप लोग बस पैटर्न को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है बढ़िया से कि कैसे दे रहा है, एक्स का दिया है और एक्स वाई का वन दिया, तो वाई आप खुद ब खुद कितना हो जाएगा, खुद ब खुद उसको चेंज कर देंगे हम लोग, और ये फिर से पूछ रहा है फिर से इस तरह से, ठीक है ना, तो आप लोग कर सकते हैं इसको, कैसे करना है देखिए, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसमें से एक्स प्लस वाई को निकाल लेंगे, अभी हम पढ़ा है, अब देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालेंगे एक्स प्लस वाई को, ठीक है, ये तो हम लोग लिखे, अब हम लोग शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे, तो देखिए जब ऐड करना है, जब दोनों को ऐड करना है तो कितना है ये रूट में सात, ये कितना तीन, कितना होगा मिला के दस, यहाँ पर भी माइनस भी कोई दिक्कत नहीं, सात प्लस तीन दस, दोनों को जोड़िए, यहाँ दस यहाँ दस मिला के बीस, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है चार का, लिख दीजिए चार, कितना हो जाएगा पाँच, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आप देखिए थोड़ा सा ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर करिएगा ना, तो प्लस माइनस टू रूट जो ट्वेंटी वन आएगा वो कट जाएगा, वहाँ पर भी कट जाएगा, तो उसको हटा देना, जो कट जाएगा उसको हटा दीजिए, यहाँ पर भी जब लिखिएगा उसको एक्स प्लस वाई करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा, जिस तरह जोड़ा समझ, तो क्या देखो देखिए इसको पाँच तीन आठ, पाँच तीन आठ, और कितना हो गया सोलह, पाँच तीन आठ प्लस पाँच तीन आठ सोलह हो गया, सोलह को लिखिए हम लोग, आएगा सोलह और डिफरेंस दो का, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो ए प्लस बी का वैल्यू मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया फाइव, और निकालना किसका वैल्यू है इसका, तो इसको समेट के रखिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, और ये वाला हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इसको मतलब दे रखा है, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, सॉरी यहाँ माइनस टू एक्स वाई भी होगा, अब प्लस एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, रख दीजिए फिर से, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू पाँच, पाँच का स्क्वायर, वेरी गुड, पच्चीस माइनस दो प्लस एक, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू वन दे रखा है और नहीं भी तो इंटू करने से उतना ही आता, पच्चीस माइनस दो प्लस माइनस एक, तो यहाँ पच्चीस में से दो जाएगा फिर एक जोड़ देना, छब्बीस माइनस दो ट्वेंटी फोर, यहाँ जाएगा तीन माइनस करो तो बाईस, कैंसिल करने से बारह बटे ग्यारह, ठीक है, इस तरह से हम लोग कितना देखें बारह बटे ग्यारह देखें, तो और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ढेर सारा क्वेश्चन है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू दे रखा वाई का वैल्यू, इसको खुद ट्राई करिएगा एक बार, तो एक बार खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा आपस में एक्स प्लस वाई करिएगा तो फोर हो जाएगा, है ना, टू टू मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सेट करके करने की कोशिश करिएगा, और इसको आपस में इंटू करिए एक्स वाई, तो क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये फोर बन जाएगा, ये थ्री, डिफरेंस कितना होगा वन, तो ये हो जाएगा वन, वन बाई वन
कितना हो जाएगा 2। इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग और कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन और भी अपने बुक से बनाइए, जो भी नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं, हम मतलब उसको अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। ओके।